बरतानवी कानून के माहिर राशिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद। राशिद हसन साहब बहुत शुक्रिया, ये नोटिस भेज दिया गया है। कितना टाइम बरतानवी कवानीन के मुताबिक लगता है इस किस्म के केस का फैसला आने में? बेसिकली इसमें एक प्रोसेस होता है डेफेमेशन का। जब भी आप कोई डेफेमेशन में कोई केस फाइल करते हैं तो डेफेमेशन एक्ट 2013 के तहत किया जाता है, उनका सेक्शन 1, उसमें अगर कोई ब्रीच हुई हो तो आप यहाँ पे कोर्ट में कर सकते हैं, जो कि नोटिस सर्व हो गया है। अब 14 नॉर्मली ये होता है कि 14 डेज दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट को उसको रिस्पोंड करने के लिए, तो डेली मेल के पास उन्होंने 14 डेज का नोटिस दिया है। नोटिस के बारे में जो इनिशियल अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि 9 पेजेस का नोटिस है, जिसमें 17 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी 17 जो प्लेसेज है उसमें पूरे आर्टिकल में वो डेफिमेटरी स्टेटमेंट उसमें है। अब इसमें कानून यहाँ पे ये है कि चाहे आर्टिकल में एक जगह पे भी आपको डिफेम किया गया हो, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरा आर्टिकल आपके खिलाफ हो। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि 17 प्लेसेस को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो उसमें अब डेली मेल के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें, वो दिखाएं कि उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस क्या थी जिसकी बेस पे ये खबर लगी, जिसकी बेस पे उन्होंने इसको पब्लिश किया यूके में। तो ये अगर 14 डेज में वो नहीं करते तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं, बट नॉर्मली जजेस जब ये कोर्ट से पहले जजेस ये देखना चाहते हैं कि प्रॉपरली उन्होंने अपने आप को मीडिएट करने की एक दूसरे को कोशिश की है, कोर्ट से पहले उसको मामले को हल करने की कोशिश की है या नहीं, अब जब वो कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है उसकी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप डेफेमेशन का केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है रकम के हवाले से कि जो आप क्लेम कर सकते हैं वो 2,50,000 है, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते होते। तो जब आप कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट में इनिशियल डायरेक्शंस जज की तरफ से दी जाती हैं, अब उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। जो ट्रायल के लिए फिक्स होगा मैं ये समझता हूं कि अब से 9 मंथ्स के बाद होगा, इसमें एक साल का अर्सा भी लग सकता है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कम्युनिकेशन होनी होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होनी होती है दोनों पार्टीज के दरमियान, तो इस वजह से इस किस्म के केसेस साल से 1.5 साल ले जाते हैं। तो अब से अगर आप कह लें तो 1.5 से 1.5 साल का अर्सा लगेगा जिसमें ये केस कंक्लूड होगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन होती है। दोनों पार्टीज के पास जैसे मैंने पहले कहा कि प्रूव करने के लिए अपने पॉइंट को सब्सटेंशियल एविडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज ये होता है कि उनके खिलाफ एक पार्टी दूसरे के खिलाफ जो भी है हर्जाना वो क्लेम कर सकती है। अब उसमें ये है कि एक तो 250,000 का कैप है, उसके अलावा आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं जो रिप्यूट पे हुए हों। साथ में भी बताएगा कि इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये खबर प्लांट कराई है, तो उनके खिलाफ भी मैं बरतानवी अदालत में जाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में तो मैंने केसेस किए हुए हैं, इमरान खान साहब आते ही नहीं हैं जो हरजाने के दावे हैं। क्या हो सकती है क्योंकि वो बरतानवी नेशनल नहीं है वजीर आजम या शहजाद अकबर साहब, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी या हो ही नहीं सकती थी? एक सियासी बयान था, और अगर नहीं हो सकती तो ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि ये स्टोरी तो असल में प्लांट कराई थी? देखिए ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ ये सियासी बयान तो जरूर हो सकता है क्योंकि इमरान खान यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है, शहजाद अकबर यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे लॉ ये है कि अगर आपने किसी के खिलाफ सू करना है तो वो शख्स या वो इदारा यहाँ पे वो शख्स मुकीम हो या इदारा जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, उनका ऑफिस मौजूद हो। तो मैं नहीं समझता कि लीगल हवाले से इमरान खान या शहजाद अकबर के साहब के खिलाफ केस हो सकता था, तो इस वजह से उन्होंने उसको प्रोसीड किया है जो वो डेली मेल के खिलाफ किया है। अब आगे डेली मेल का मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा कि डेली मेल का यहाँ पे जो सिलसिला है, डेली मेल हमेशा से मुतनाज़े अखबार रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस माजी में जो हुए हैं वो डेली मेल के खिलाफ हुए हैं, जिसमें डेफेमेशन के केसेस बहुत ज्यादा अहम थे। उसमें बल्कि एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये कहा गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि डेली मेल का जो फेक न्यूज के खिलाफ फाइट करने का जो बेसिक थ्रेश होल्ड है वो बहुत वीक है, वो अगर हम कहें तो 5 में से 1 पे आते हैं कि वो इतने वीक हैं कि वो किसी भी फेक न्यूज को फाइट नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप देखें तो डेफेमेशन के जो मोस्टली केसेस हुए हैं वो यहाँ पे डेली मेल के खिलाफ हुए हैं, बल्कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी फैमिली थी जो अमेरिका ट्रैवल कर रही थी, जिसके खिलाफ यहाँ की उनकी एक राइटर थी, कॉलमनिस्ट थी कैटी हॉपकन, उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके एक्सट्रीमिस्ट के साथ लिंक्स हैं, जिसकी बेस पे वो फिर यहाँ की जो पाकिस्तानी फैमिली थी उन्होंने केस किया डेली मेल के खिलाफ, जिसके नतीजे में उनके उनको जो रकम मिली थी 1,50,000 कोर्ट ने रकम ग्रांट की थी कि उनको यहाँ पर डिफेम किया गया, उनकी फैमिली को डिफेम किया गया। इस तरह की अगर आप देखें लेडी डियाना के भाई को उनका
डेफिमेशन का केस जो था उनके हक में हुआ, उसके अलावा यहाँ पे एक और चैरिटी थी इंटरपेल चैरिटी, उसको 1,20,000 कोर्ट ने ग्रांट किए डेली मेल के खिलाफ। तो डेली मेल थोड़ा सा राइटर्स अखबार भी है, उसके अलावा खबरों के हवाले से हमेशा थोड़ा सा इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा से यूके में इशू रही है, और जजेस हमेशा जब कोर्ट में केस जाता है तो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी कंसीडर करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो केस आगे चलेगा तो हो सकता है कि ये सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने की वजह से डेली मेल के खिलाफ हो जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई कॉलम लिखते हैं तो आपके पास इस किस्म की एविडेंस हो कि कल को अगर कोर्ट में आपके खिलाफ केस जाता है तो आप उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें, आपके पास लीगल बैकिंग मौजूद हो। बाकी इसमें दो तीन और जो अहम चीजें हैं, अगर आप देखें उस पूरे जो है आर्टिकल, उसमें यहाँ पे यहाँ की जो लोग होते हैं वो अगर आप कहें कि पब्लिक एक्सपेंसेस जो होते हैं, पब्लिक फंड्स को यूज किया गया और बेजा यूज किया गया, तो उसकी वजह से वो एक अटेंशन उनकी वो आ जाती है। जैसा अगर आप उसकी हेडिंग देखें तो उसमें कहा गया कि डीएफआईडी ने जो फंड्स यूज किए हैं वो यहाँ के लोगों के फंड्स यूज किए हैं, जिसपे रिबटल स्टेटमेंट डीएफआईडी की आई। मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस केस में काफी नुकसानदेह हो सकती है डेली मेल के लिए, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो इटसेल्फ ये बताती है कि ऑडिट के जरिए एरा को जो पैसे दिए गए, ऑडिट के बाद पैसे दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोर्ट में यूज होगी, इस वजह से डेली मेल का केस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगता नहीं है। बाकी अगर वो 17 पॉइंट्स जिस पे ऑब्जेक्ट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें से एक पॉइंट भी वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें डेली मेल को अपनी स्टोरी पुल आउट करनी पड़ेगी। माजी में बहुत सारी स्टोरियां इसी तरह की डेली मेल ने पुल आउट की हैं और जिसपे लोगों को पे आउट किया गया है। तो ये देखते हैं आगे साल या डेढ़ साल का अर्थ है, उसमें ट्रायल होगा तो उसमें सामने आएगी चीज कि उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी बेस पे ये स्टोरी पब्लिश की गई है।